हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ और इसमें मैं आपको न्यू ब्राइड दिखाने वाली जो कि अपने एंगेजमेंट मेकअप के लिए मुझसे तैयार होना चाहती थी। तो मैं इनका मेकअप करूंगी और सबसे पहले मैं इनको मॉइस्चराइजर लगा दूंगी। मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पर मैंने निविया का कोल्ड क्रीम लिया है। निविया का कोल्ड क्रीम जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं अपने चाहे वो ब्राइड का हो या फिर एंगेजमेंट वगैरह कुछ भी हो तो मैं निविया का ही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे से हमें लगा देना, कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है ताकि स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए और इनके फेस पर जो है ड्राई स्किन थी तो मॉइस्चराइज बना रहे। तो हमें अच्छे से हल्के हाथों से लगा देना है। देन हमें करेक्टर का यूज़ करना है और यहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर का यूज़ किया है। ऑरेंज करेक्टर का यूज़ आप तभी करोगे जब क्लाइंट के स्किन पर ब्लैक कलर के जो हैं डार्क स्पॉट्स रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगी, तब आप करेक्टर का यूज़ करना है। और आपकी अगर ब्राइट जो है फेयर स्किन टोन में आती है तो आपको ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करना है। बहुत लोग कहते हैं कि ऑरेंज करेक्टर लगाने से हमारा मेकअप जो है वो ग्रे होता चला जा रहा है। तो वो आपका कब होता है, जब आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करने के बाद नेक्स्ट आप फाउंडेशन अप्लाई कर देते हो। तो हमें सबसे पहले फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना है, ऑरेंज करेक्टर मैं लगा रही हूँ और उससे हल्के हाथों से ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ना कि मैं उसको रगड़ के करूँगी। फिर उसके बाद एक लाइट सेट जो है आपको करेक्टर लेना है और जहाँ जहाँ पे आपने किया है करेक्टर वहाँ ऑरेंज करेक्टर वहाँ वहाँ पे आपको लाइट सेट करेक्टर अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि ये मेरी क्लाइंट थी तो इनके फेस पर लगभग पूरे फेस पर प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनके फेस पर करेक्टर लगाया था ऑरेंज कलर का। फिर उसके बाद मैंने लाइट कलर का करेक्टर लेके पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया है और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। डैम का मतलब होता है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर को भिगो के और फिर उसके बाद किसी कॉटन कपड़े में अच्छे से सुखा लेंगे, सारा पानी उसका निकाल लेंगे, वो होता है डैम ब्यूटी ब्लेंडर। तो इसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है। आपको वीडियो में बहुत तेज़ी से लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज कर रही हूँ ब्लेंडर, बट ऐसा नहीं है, स्पीड बढ़ाने की वजह से वो ऐसा लग रहा है। अच्छे से नोज़ वगैरह के पास हमें लगा देना है। तो आप लोग, आई होप आप लोग जान गए होंगे कि आप लोग ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद जो है आपका मेकअप ग्रे क्यों पड़ जाता है। अगर ये प्रॉब्लम किस किस को हुई है वो कमेंट कीजिएगा। और मैं यहाँ पे गले पे भी लगा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा फेस जो है वो अलग लगेगा और ये गर्दन जो है वो अलग लगेगी। तो सेम कलर अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ले लिया है इनकी स्किन टोन से, 1 नंबर फेयर कलर लिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मैक का फाउंडेशन लिया था। मैक का फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत लाइट वेट होता है, तो इसलिए मैं मैक का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैं ब्रश से ही पूरा यूज़ कर रही हूँ, ब्रश से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ और जल्दी हो भी जाता है। तो मेरी ब्राइट काफ़ी खुश थी। तो अब यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर से अपने मेकअप को लॉक कर रही हूँ। मेकअप को लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आप लूज़ पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो, बट हमें लूज़ पाउडर ज़्यादा सही लगता है। तो मैं लूज़ पाउडर लेके इसको मैंने लॉक कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आप ब्रश से भी कर सकते हो बट मैंने ब्रश नहीं यूज़ किया है क्योंकि मेरी एक क्लाइंट ने बोला था कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल का स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो शूट कीजिए विद प्रोडक्ट। तो मैं बस वही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जिंग की है। ब्रॉन्जिंग करने के लिए मैं, आप देख सकते हो, ब्रॉन्जिंग में बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था मेरी क्लाइंट को। तो उन्होंने बोला था कि स्टेप बाय स्टेप विद प्रोडक्ट के आप मुझे आप वीडियो अपलोड कीजिए, बस मैं वही कर रही हूँ। तो मैंने पूरा शूट किया था और फिर उसके बाद मैं हाइलाइटर लगा दिया। हाइलाइटर मैंने यहाँ गोल्डन कलर का लिया है क्योंकि हाइलाइटेड मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है और इनको जो है भर भर के हाइलाइटर चाहिए था कि इनकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग लगे। तो हाइलाइटर, जानते हो हाइलाइटर जो है शाइन करता है आपके फेस पे करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ। मैं हाइलाइटर हमेशा इसी ब्रश से अप्लाई करती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत सही लगता है और फिर जिस चीज़ से हमेशा आपका हाथ बैठ गया है आप उसी से करना सही समझते हो, तो बस वही बात है। और यहाँ पे मैंने सेम कलर आई शैडो भी लगाया है इनको, और आई मेकअप का जो है मैं नहीं सूट कर पाई थी क्योंकि टाइम भी बहुत लग गया था, आप जानते हो मेकअप करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर लाइनर मैंने लिक्विड लिया था और रेड कलर के लिप लाइनर से मैं यहाँ पर लिप का शेप दे दे रही हूँ अच्छे से।
अभी हम मस्कारा लगाए थे, मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा लगाने के बाद लोअर लैश लाइन पर मैं सेम कलर से आई शेडो लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं काजल लगाऊंगी। काजल ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा ले रही हूँ। ये जेल काजल है, अच्छे से लगाने के बाद इसे अच्छे से हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में, मैंने बोला अपनी क्लाइंट से कि आप बाल कर्ल करवा लीजिए, बट इनको नहीं चाहिए था क्योंकि इन्होंने बोला कि मुझे बस स्ट्रेट ही चाहिए था। तो आप लोग बताइए कि इनका फाइनल लुक कैसा लग रहा है और कितने लोग को ये अच्छी लगी, ये मेरा मेकअप बताने का तरीका कितने लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने बोला था कि मेरी ब्राइड मेकअप के पहले ज़्यादा अच्छी लगी है, मेकअप के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।